Subscribe to Yogacharya Kokran Baba. Press the bell icon to never miss any latest update. मैं योगाचार्य खोकन बाबा, आज का टॉपिक्स है सूर्य भेद प्राणायाम द्वारा कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। एक ही प्राणायाम द्वारा आप 80 से 85% बीमार का इलाज कर सकते हैं, एक ही प्राणायाम। लेकिन प्राणायाम जो क्रिया जो है ये सही तरीका होना चाहिए। आप लोग शांति से देखिए, कोई हड़बड़ी का कोई बात ही नहीं, शांति से देखिए। हम आप लोग को शांति से दिखा रहा है और इसको फॉलो कीजिए, आप लोग कीजिए। सिर्फ 10 से 15 मिनट करने से आपका 85% बीमार का इलाज आप कर सकेंगे। तो मैं क्रिया शुरू करूं। पहले मैं अनामिका कनिष्ठा, ये दोनों अंगुली को कहते हैं अनामिका और कनिष्ठा, ये दोनों अंगुली से मैं बाया नाक बंद कर देंगे। और ये दोनों अंगुली देखिए, मध्यमा और तर्जनी, ये दोनों को डाउन कर देंगे और बूढ़ा अंगुली ऐसा रख देंगे। तो हम क्या करूं, आप दाहिना नाक से मैं लंबे सांस लेंगे, लंबे सांस लेने के बाद में हम ये बूढ़ा अंगुली से मैं बंद कर दूंगा। अर्थात मैं क्या क्या, मैं सांस लेके अंदर में रख दिया, अर्थात कुंभक कर लिया। रखने का कहते हैं सांस लेके, रुकने का कहते हैं कुंभक। करने के बाद में 15 या 20 सेकेंड हम अंदर में रखेंगे। रखने के बाद में आप बाया नाक से धीरे धीरे छोड़ देंगे, हड़बड़ी से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जितना टाइम हम लिया है उससे 1 सेकेंड 2 सेकेंड ज़्यादा होने से छोड़ने का टाइम में थोड़ा 2 सेकेंड ज़्यादा होना चाहिए। और रुकने का टाइम है 15 से 20 सेकेंड। कुछ दिन हम 15-20 सेकेंड रुकने के बाद में 2-3 महीना प्रैक्टिस करने के बाद में उसके बाद में 25 सेकेंड, उसके बाद में हम 30 सेकेंड तक रख सकते हैं। तो पहले मैं क्रिया शुरू करूं। देखिए आप लोग एकदम क्लियर है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन का बात नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। मैं अभी क्या करूं, दाहिना नाक से सांस लेंगे, लंबे सांस लेने के बाद में बूढ़ा अंगुली से बंद कर देंगे और साथ सांस को अंदर में रोक देंगे। हाँ, सांस ले रहा हूं मैंने, देखिए। आप लोग जरूर समझ गया है शायद, मैं क्या किया, बाया नाक बंद कर दिया, दाहिना नाक से मैं लंबे सांस लिया, जितना ले सकते हैं। लेने के बाद में ये बूढ़ा अंगुली से मैं उस सांस को रुक दिया। वो सांस अब कितना टाइम रुके, 15 या 20 सेकेंड। रुकने के बाद में मैं बाया नाक से उस सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे। जितना टाइम लिया उससे 2-3 सेकेंड ज़्यादा होना चाहिए छोड़ने का टाइम। तो हमारा जो बाया नाक से हम सांस ले रहे हैं इसको कहते हैं पूरक। लेने के बाद में जो अंदर में रख दिया उसको कहते हैं कुंभक, और जो बाया नाक से हम छोड़ रहे हैं उसको कहते हैं रेचक। तो पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीनों मिलके होता है आपका। हम जो क्रिया कर रहे हैं इस क्रिया का नाम है सूर्य भेद प्राणायाम। तो और एक बार हम दिखा रहा है, शांति से देखिए। और जब हम क्रिया करेंगे, क्रिया करने के बाद में जब हम ऑक्सीजन हम जो 15-20 सेकेंड रुकेंगे अंदर में, तब आपका अपना भावना जो है, आप जो कल्पना कीजिएगा, आप जो सोचिएगा वो क्या है, हमारा अंदर में जो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो ले लिया है हम, वो ऑक्सीजन हमारा शरीर का हर हिस्सा में घूम रहा है। हम जो एयर लिया है वो हर हिस्सा में हमारा वो ऑक्सीजन घूम रहा है। और ये घूमने से क्या होगा, एक नंबर तो आपका ब्लड जो है वो रिफाइन होगा, वो फिल्टर होगा। और फिल्टर होने के बाद में क्या होगा, आपका जो शरीर पे जो खुजली होता है, फोड़ा होता है, ब्लड दूषित होने के बाद में बहुत कुछ होता है, तो वो सबसे आप मुक्ति मिल जाएंगे। आपका लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाएंगे, हार्ट का कैपेसिटी बढ़ जाएंगे। और ये जो सांस ले रहा है जिसका एस्थमेटिक प्रॉब्लम है,
अस्थमा बीमार, उस बीमार के लिए भी इलाज होगा। बहुत किस्म का, एक दो बीमार का नहीं, कम से कम 100 बीमार का इलाज आपका एक ही क्रिया द्वारा होगा। फिर और एक बात दिखा रहा है, आप शांति से देखिए, ये दोनों अंगुली में क्या कैसे किया है, आप लोग देख लीजिए। पहले हम बायां नाक बंद कर दिया, इसको कहते हैं सूर्य भेद प्राणायाम। अभी दाहिना नाक से मैं लंबे सांस लेंगे, देखिए कितना कैसे मैं सांस ले रहा हूं। आपका हाथ में टाइम नहीं है, आप बाहर में गया है, आप कोई होटल में ठहरा है, लेकिन आपको शरीर सुस्त रखने का जरूरत है, तो एक ही क्रिया आप कीजिए। 10 मिनट टाइम आप निकाल लीजिए, होटल में, रिश्तेदार के घर में, अपना घर में, जहाँ पे ठहरा है वहाँ पे कर लीजिए, कोई बात नहीं। एक ही क्रिया आप करने से आपका 100-100 कम से कम बीमार से आप मुक्ति हो जाएगा। 80-85% बीमार का इलाज एक ही क्रिया द्वारा होगा, उस क्रिया का नाम है, जो क्रिया मैंने किया है, इस क्रिया का नाम है सूर्य भेद प्राणायाम। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं अगला वीडियो 3 या 4 दिन के अंदर में लिखेंगे। आप ये क्रिया आप सही तरीके से करते रहिए, तब तक आप लोग सुस्त रहिए, शांति से रहिए, बीमार मुक्त हो जाइए। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करके आज यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।